तो ये फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही भयंकर वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि अंडर 25,000 में आप लोगों को ऐसे कौन से बेस्ट टॉप 5 स्मार्टफोन है जो आप लोगों को बाय करना ही चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने इस सेल में ये स्मार्टफोन मिस कर दिया तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों मेरा काम था वीडियो बनाना एंड दोस्तों आप लोगों को ये बताना कि दोस्तों अंडर 25,000 में आप लोगों को ये टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर हम लोग ये 25,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो दोस्तों उसमें आप लोगों को सबसे मेन चीज जो देखनी है वो हो जाता है प्रोसेसर एंड डिजाइन। अगर दोस्तों हम लोग 25,000 के स्मार्टफोन पे खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को भयंकर प्रोसेसर तो चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिजाइन के मामले में अभी इतने सारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं ना, इसलिए दोस्तों डिजाइन भी इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा देता है। डिजाइन के साथ साथ हम लोग प्रोसेसर पर भी ध्यान देंगे एंड दोस्तों डिस्प्ले, बैटरी लाइफ एंड दोस्तों कैमरा पर तो हम लोग वैसे ही ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर गर्ल्स स्मार्टफोन देखने हैं तो दोस्तों बस आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना है। एंड दोस्तों अगर बॉयज स्मार्टफोन सेलेक्ट करें तो दोस्तों आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें लिस्ट में नंबर 5th स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों यहां पर आ जाता है Vivo T2 Pro MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256GB का आप लोगों को यहां पर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 64+2 MP का बैक कैमरा है एंड दोस्तों 16 MP का फ्रंट कैमरा है। 4600mAh की बैटरी है। 66W की आप लोगों को यहां पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। 6.8 inches का AMOLED डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पर प्राइस रेंज की बात करें तो 24999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों गर्ल्स के लिए एक बहुत ही एक बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी ज्यादा ही अच्छा है एंड दोस्तों बैक कैमरा भी ज्यादा ही अच्छा है एंड दोस्तों डिजाइन भी इसका काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छा निकल के आ जाता है। सो दोस्तों अगर बात करें लिस्ट में नंबर 4th स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों ये भी डिजाइन के मामले में बहुत ही भयंकर है। दोस्तों इसका नाम है रियलमी 12 प्रो। लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x128GB का आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 50+8+32 MP का बहुत ही बेस्ट कैमरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 16 MP का फ्रंट कैमरा है। 5000mAh की बैटरी है। 67W की चार्जिंग है। 6.7 inches का AMOLED डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें दोस्तों 25999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। डिजाइन के मामले में एंड दोस्तों प्रोसेसर के मामले में दोनों ही मामले में दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट बन सकता है। चलिए दोस्तों तो और आगे बढ़े अगर बात करें लिस्ट में नंबर 3rd स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों यहाँ पर पता नहीं पोको ने अपने पोको के 2 स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं, पोको X6 Pro एंड दोस्तों पोको X6 5। दोस्तों इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, आप लोग इन दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले पोको X6 Pro के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। MediaTek Dimensity 8300 Ultra इसमें प्रोसेसर लग किया जाता है, बहुत ही भयंकर प्रोसेसर है। 8x256GB का आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 64+8+2 MP का बैक कैमरा है। 16 MP का फ्रंट कैमरा है। 5000mAh की बैटरी के साथ 67W की आप लोगों को यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। 6.7 inches का AMOLED डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पर प्राइस रेंज की बात करें तो 26999 में आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसी का ही छोटा या बड़ा भाई आप लोग कह लीजिए पोको X6 5G स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 12x512GB का आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत ही भयंकर है। दोस्तों ये चिपसेट 12x512GB का आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट एंड स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट एंड दोस्तों 64+8+2 MP का बैक कैमरा, सेम 16 MP का फ्रंट कैमरा, सेम 5100mAh की बैटरी, 16W की चार्जिंग, 6.67 inches का AMOLED डिस्प्ले सेम है दोस्तों। एंड दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों हल्की सी डाउन है, 24999 में आप लोगों को ये ऑफर्स लगा के मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं टॉप 2 बेस्ट स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही भयंकर प्रोसेसर होने वाला है, डिजाइन बहुत भयंकर होने वाला है, कैमरा तो दोस्तों आप लोग सोच ही नहीं सकते। दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं दोस्तों बात करने वाला हूं Moto Edge 40 Neo के बारे में। बेस्ट स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बन सकता है MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 12x256GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 15+13 MP का बैक कैमरा मिल जाता है, जो कि आप लोगों को वीडियोग्राफी करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड दोस्तों यकीन मानिए 32 MP का फ्रंट कैमरा अंडर 25,000 में मिलना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 5000mAh की बैटरी है। 68W की सुपर फास्ट चार्जिंग है। 6.55 inches का PoLED डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें दोस्तों अंडर 24999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग यकीन मानिए मोटो का ये स्मार्टफोन आप लोग खरीद लेंगे ना दोस्तों डिजाइन के मामले में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। कैमरा एंड दोस्तों प्रोसेसर भी इसका बहुत ही भयंकर है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके बिल्कुल ही ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन को मैंने नंबर 1 पे रखा है तो दोस्तों कुछ तो सोच के ही रखा होगा।
भयंकर प्रोसेसर है, सेकंड चीज इतना भयंकर कैमरा है ना, जो कैमरा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आता है वही दोस्तों यहाँ पर कैमरा डाल दिया गया है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 13 प्रो, तो वैसे तो इसका पूरा नाम है साउमी रेडमी नोट 13 प्रो 5G। दोस्तों स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 भयंकर प्रोसेसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 8x128GB का वेरियंट है, 200+8+2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5100mAh की बैटरी, 67W की आप लोगों को यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, एंड दोस्तों 25,000 ट्रिपल लाइन में आप लोग इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों आप लोग गेमर है, मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए स्मार्टफोन सेलेक्ट कर दिया है, एंड दोस्तों अगर आप लोगों को डिजाइन चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए स्मार्टफोन सेलेक्ट कर दिया है, पर दोस्तों एट दी एंड में आप लोगों को तीन और स्मार्टफोन बता सकता हूं। दोस्तों एक तो अपकमिंग लॉन्च में आने वाला है आईकी नियो 9, अगर दोस्तों ये अंडर 25,000 में आ जाता है तो दोस्तों बहुत ही भयंकर स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बन सकता है। एंड दोस्तों आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों है ऑनर 95G, दोस्तों इसका डिजाइन उतना काफी अच्छा नहीं है, पर दोस्तों गेमिंग एंड डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ऑनर बहुत ही बेस्ट कंपनी है, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो सेकंड स्मार्टफोन आ जाता है वो हो जाता है IQ Z7 Pro, बहुत ही भयंकर स्मार्टफोन है, आप लोग इसे भी अंडर 25,000 में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को अंडर 25,000 में ऐसे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बता दिया है। तो दोस्तों अब आप लोगों की बारी है इस वीडियो को लाइक करने की, एंड दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि दोस्तों आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन लेने से अच्छा लगा, एंड दोस्तों अभी आप लोग कौन से स्मार्टफोन पर ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, अगर दोस्तों चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड दोस्तों अच्छी वीडियो में।